दिल्ली से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी रियाज को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी रियाज की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी, जिसके बाद 30,000 कोर्ट ने आतंकी के ट्रांजिट रिमांड को मंजूर किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल के आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान रियाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस से उसके पास एक मोबाइल और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है। और राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, ट्रांजिट रिमांड कितने दिनों का दिया गया है? देखिए, रियाज की गिरफ्तारी सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4 तारीख को हुई और उस वक्त हुई जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसकी नज़र दिल्ली पुलिस पर पड़ी और पुलिस को देखते ही रियाज भागने की फिराक में था और उसके लेकिन पुलिस ने चेस करके रियाज को गिरफ्तार किया। रियाज की गिरफ्तारी की जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये लश्कर का है और सीमा पार से जो हथियार आए थे, गोला बारूद आए थे, उसे रिसीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इसी मामले में जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा पुलिस को सूचना दी गई। कश्मीर की पुलिस यहां पर आई और रियाज का ट्रांजिट रिमांड पटियाला हाउस कोर्ट में लिया गया और कोर्ट ने उसके रिमांड को कंसीडर कर दिया। 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड रियाज की ली गई है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस रियाज को जम्मू कश्मीर ले फिर वहां के कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसने अब तक किन किन घटनाओं में शामिल हुआ, क्या भूमिका रही है लश्कर ए तैयबा में, तमाम जानकारी हासिल की जाएगी। लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी आप कह सकते हैं कि उसकी क्या प्लानिंग दिल्ली आने की थी, क्या दिल्ली में कहीं रुककर कुछ स्लीपर सेल बनाने की थी, तमाम चीजों पर जब कश्मीर पुलिस कुपवाड़ा पुलिस पूछताछ करेगी तमाम जानकारी हासिल करेगी। लेकिन जिस तरीके से जो एक्ट था रियाज का वो निश्चित तौर पर संदिग्ध था और उसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद ही कश्मीर पुलिस को बुलाया गया और कश्मीर पुलिस रिमांड पर लेकर उसे कश्मीर गई है। अब देखना होगा कि उसके पूछताछ के बाद क्या क्या अहम खुलासे सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।